Guide one of your best films? Yes, Guide is one of my best films. उसकी वजह ये है मुझे बड़ी खुशी हुई वो रोल करने में क्योंकि उसमें एक डेफिनेट कैरेक्टर लिखा हुआ था उसकी एक नॉवल लिखी थी उसके बाद उसका स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट लिखा गया तो उसको पढ़ने का इतना मुझे मौका और वक्त मिला तो मुझे लगा मैंने बेस्ट स्टडी की है उस कैरेक्टर की अपने हिसाब से तो और उसमें इतनी वेरिएशन थी कैरेक्टर की और अक्सर जो हम हिंदुस्तानी हीरोइंस के जो रोल्स होते हैं कि अच्छे अच्छे सब अच्छे ही हैं इसमें मुझे ऐसा लगा ट्रू टू लाइफ कि एक इंसान अच्छा भी होता है कोई सिचुएशन इस तरह के आते हैं जो गुस्सा आता है किसी के साथ किसी का दिल भी तोड़ा हो मे बी जान के या अनजानेपन में या गुस्से में तो इस तरह के उसके बहुत कलर्स थे उस कैरेक्टर के यू नो वैरायटी ऑफ इमोशंस एंड कलर टू द कैरेक्टर उस वजह से मुझे वो बहुत बहुत अच्छी लगती है फिल्म और मेरा रोल खासकर मुझे बहुत पसंद है ये रोजी है कैसी औरत एक ऑर्डिनरी इंसान है जो जिस माहौल से वो लाई गई उसकी शादी हो जाती है क्योंकि माँ चाहती है कोई डिसेंट ख़ानदान में उसकी शादी हो उस वक्त माँ ये नहीं सोचती कि उम्र का इतना इनका डिफरेंस है ख्यालात मिलते जुलते हैं कि नहीं हैं फिर उसको धीरे धीरे महसूस होता है कि उसको उसके मियाँ के साथ बनती नहीं है और उसकी अंदरूनी एक एम्बिशन होती है टू बिकम ए ग्रेट डांसर वो करना चाहती है उसका हस्बैंड हमेशा रोकता रहता है फिर वो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि जो हस्बैंड के ख्वाहिशात और उसके जो प्रोफेशन है उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करें वो उससे होता नहीं और उसको ये भी पता चलता है बाद में कि ये जो उसका मियाँ था उससे बेवफा भी है तो वो धीरे धीरे वो गाइड का सहारा लेती है वो गाइड भी उसको सहारा देने लगता है उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शुरू में ये था कि ये नहीं कि उनका प्यार था बट वो चाहता है कि ये बहुत इसके इसकी जो चाहते हैं ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं तो इस तरह धीरे धीरे उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है फिर ये जो चाहती है जो कि मैं ग्रेट डांसर बनूं वो पूरा होता है फिर इसको राजू से गाइड से प्यार होता है फिर उसके बाद उसको एक वक्त आता है जब इसको महसूस होता है कि वो भी इसको एक्सप्लॉइट करने लगा है तब वो पीछे हट जाती है तो वरना अक्सर हम हिंदुस्तानी औरतों को क्या दिखाते कि शादी हो गई तो यही मेरी नसीब की बात है सेक्रीफाइस कर रहे हैं रो रहे हैं मगर दुखी बैठे हुए फिर वो हस्बैंड को छोड़ के जाने की उसको हिम्मत होती है वो सीन जो केव्स में लिया गया जब मैं मार्को को तमाचा मारती हूँ वो सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इसमें हर तरह के कलर्स थे और फिर उसको लगता है कि मैं अभी राजू से भी उकता गई हूँ तो क्या मतलब है साथ रहने का यू नो सब वो बंधन तोड़ के चली जाती है मगर जब एंड में उसको पता चलता है कि राजू ने इस तरह कुछ स्वामी बन गए हैं उसको लगता है ये इस तरह का आदमी इस तरह कैसे हो गया और उसमें उनका उसका भी कैरेक्टर होता है राजू का कि वो फोर्जरी करता है रोजी से प्यार भी करता है यू नो सो हर कैरेक्टर इवन मार्को दे हैड एवरीथिंग इन ईच कैरेक्टर कि अच्छे भी हैं कोई मौका आता एक वक्त के बाद इंसान बदल जाता है मैच्योर हो जाता है सो इसलिए कागज के फूल गलती थी नहीं वक्त से पहले बन गई थी मेरा जहाँ तक ख्याल है उस वक्त तो वो फ्लॉप हुई थी मगर अब जो कोई देखता है और थिएटर में भी लगती है तो इतनी पसंद की जाती है और बॉक्स ऑफिस में भी चलती है तो मेरा जहाँ तक का ख्याल है वो वक्त से पहले बन गई थी आजकल जो पब्लिक है ज़्यादा समझदार और ज़्यादा अच्छे बुरे की तमीज़ हो गई है उनको टेक्निकली और तरह तरह के फिल्में देख के भी एक अवेयरनेस हो जाती है सिर्फ वो फिल्म वक्त से पहले बनी थी आपको लगता है ये वेस्ट ने पहले अप्रिशिएट किया और बाद में इंडिया में आया हाँ एक हद तक ये सही है इंडिया में बाद में उसको अप्रिशिएट किया गया और बाहर पहले अप्रिशिएट किया गया जब गुरुदत्त साहब जिंदा थे तो क्रिटिक्स ने नहीं अप्रिशिएट किया उनको और अब कर रहे हाँ इसका मुझे पता नहीं क्यों उस वक्त ये तो नहीं हो मैं कह सकती कि क्रिटिक्स भी इतने समझदार नहीं थे उस वक्त क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुआ था मेरे इसका मुझे पूरा इल्म नहीं है ज़्यादा याद नहीं है
मगर अप्रिशिएट नहीं की. एक दो चीज़ होती हैं, एक फिल्म का अप्रिशिएट होना, एक फिल्म का चलना. चली तो नहीं थी और अप्रिशिएट भी इतनी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी या जितनी अब होती है. सो उस वक्त शायद क्रिटिक्स ने भी सोचा कि ठीक सही फिल्म नहीं बनी. ये उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म है आपको लगती? टेक्निकली हाँ, मगर मैं कहूँगी उनकी तीन फिल्में जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं और अच्छी सभी कहते हैं आज तक, प्यासा, कागज़ के फूल और साहेब बीबी और गुलाम. तीनों फिल्में, उनकी तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल अलग थे और मुझे, मैं नहीं उसमें कह सकती कि कौन सी सबसे ज़्यादा बेहतरीन थी. टेक्निकली और फोटोग्राफी के हिसाब से मेरे ख्याल से कागज़ के फूल बहुत ज़्यादा अच्छी थी और स्टोरी और इमोशनल, कागज़ के फूल में भी इमोशनल वैल्यू थी. तो मुझे कहना मुश्किल है, मुझे तीनों फिल्में बहुत पसंद हैं. ये जो शैडो प्ले था कागज़ के फूल में, वो कैसे अचीव किया था महबूब स्टूडियो में? इस खास उस सीन के लिए जो उन्होंने दो सीन और वक्त ने के क्या किया हंसी, क्या था वो, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, उसके लिए उन्होंने खास महबूब स्टूडियो बुक किया था और उनको सर्टन लाइट इफेक्ट की ज़रूरत थी. तो फिर उन्होंने महबूब साहब से रिक्वेस्ट की और एक ऊंचाई से जो स्टूडियो लाइट और बाहर की नेचुरल लाइट की रेज जो आती हैं, उसके लिए उन्होंने खास खिड़की बनवा के तुड़वाई थी उस इफेक्ट के लिए. और महबूब साहब भी गुरुदत्त जी को जानते थे और समझते थे कि ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि यूं ही तुड़वा दिया दीवार. तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आया था स्क्रीन पर. मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे, उनका कितना कंट्रीब्यूशन था आपको निखारने में? कैमरामैन को भी उतनी ज़रूरत होती है वक्त की कि एक चेहरे को समझना कि उस कौन से बेस्ट एंगल सूट करता है, कौन सी लाइटिंग ज़्यादा सूट करती है. तो आर्टिस्ट और कैमरामैन, आर्टिस्ट और डायरेक्टर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और रैपोर होना बहुत ज़रूरी है. तो और उस वक्त ये था कि जितनी देर कैमरामैन हमको कहते थे कि आप खड़े रहिए इस पोजीशन में, हमें लाइटिंग करनी है, तो हम खड़े रहते थे. तो वो अंडरस्टैंडिंग शुरू से मेरी और मूर्ति साहब की थी. तो शायद उनको वक्त ज़्यादा मिला स्टडी करने का. एक वक्त यूँ हुआ, कागज़ के फूल में एक सीन पिक्चराइज किया जा रहा था जहाँ पर मुझे स्टार बनाया जा रहा है. वो प्रोड्यूसर की जो बीवी हैं वो एक मुझे ब्यूटी पार्लर में ले जाती हैं, पूरा मेकअप एंड आईब्रोज और बाल एंड यू नो फेशियल वगैरह वगैरह. तो एक काउच पे मुझे लेटना था, गर्दन नीचे लटकी हुई है. तो उन्होंने कहा लेट जाओ, तो मैं लेट गई और मूर्ति साहब लाइटिंग कर रहे थे और वो इतने इन्वॉल्व हो गए थे उस लाइटिंग में, तो ये कहना भूल गए कि तुम उठ के थोड़ा रेस्ट कर लो. मैंने भी कुछ नहीं कहा, तो लेटी रही. कुछ घंटा डेढ़ घंटा लगा लाइटिंग करने में और गुरुदत्त जी ने भी कुछ नहीं कहा. उन्होंने सोचा ये आराम से लेटी हैं, दिल करेगा तो उठ के बैठ जाएगी. तो मैं उठी नहीं. जब शॉट्स रिहर्सल हुए, लाइटिंग हुई, टेक हो गए, तब उन्होंने कहा चलो उठ जाओ. जब मैं उठी तो मेरी गर्दन यहाँ सख्त दर्द और सूजी हुई थी. तो मैंने कहा इतनी सख्त दर्द हो रही है मूर्ति साहब, इतनी देर लगाई आपने. तो कह लें आओ आई एम सो सॉरी, मैं तो तुम्हें भूल ही गया और तुमने पोजीशन चेंज नहीं की. मैंने कहा आपने कहा हिलो मत, तो मैं हिली नहीं. तो हद करती हो, तुमको तकलीफ तुम्हें हो रही थी और मैं तो भूल गया, मैं तो अपनी लाइटिंग में लगा हुआ था. तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है. तो ये जो बातें हैं, तो ये इससे कैमरामैन मैन भी खुश होते हैं, डायरेक्टर्स भी खुश होते हैं कि ये एक रिश्ता होता है जैसे उस्ताद का होता है बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ. तो एक दूसरे से कि हाँ कितने दिल से, कितने डेडिकेशन के साथ ये लोग करते हैं. तो इसलिए फोटोग्राफी भी अच्छी होती है, चेहरे पोर्ट्रेट्स भी अच्छे आते हैं.